नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीए मीर, वो दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो बागी नेता हैं, जो गुलाम नबी आजाद धड़े के समर्थक माने जाते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो सड़कों पर आ गई है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं वो कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। इसका एक उदाहरण हमें कठुआ में देखने को मिला। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से कठुआ के हीरानगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को उस कार्यक्रम से अलग कर लिया। ऐसे जम्मू कश्मीर में कई उदाहरण पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाम नबी आजाद, उनके जो समर्थक हैं और जो जीए मीर के समर्थक हैं, दोनों में गुटबाजी देखी जा रही है। खुलकर वो जो गुटबाजी सामने आ रही है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक नेता माने जाते हैं उसमें कई सीनियर जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों से अपने आप को अलग कर लिया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गुलाम नबी आजाद पिछले कुछ समय से खुलकर बोल रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी और जम्मू उन्होंने दौरा किया था उसके बाद, और जम्मू में उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस को आधिकारिक रूप से उस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। उस कार्यक्रम में भी गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनके समर्थक उस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इसके बाद जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। उस विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर में जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक नेता माने जाते थे उन्होंने भी आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली और वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होने से बचते दिख रहे हैं, और कांग्रेस की जो गुटबाजी है जम्मू कश्मीर में वो खुलकर सामने आई है। जीए मीर एक बार पहले भी जब गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जीए मीर को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। इस दौरान जीए मीर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, और ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो बागी नेता हैं, जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक माने जाते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि कांग्रेस में गुटबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जो स्थिति है, जो हालात है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो काफी खराब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जो हाल ही में डीडीसी के जो इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी निराशाजनक रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जो गुलाम नबी आजाद ने भी डीडीसी के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में कैंपेन नहीं किया था, उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का जो रिजल्ट रहा जो डीडीसी इलेक्शन में वो काफी खराब रहा, और जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। जो उनके जो गुलाम नबी आजाद के जो समर्थक माने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जीए मीर का जो धड़ा है उससे अलग एक रुख उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। वो जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक हैं वो उन कार्यक्रमों से अपने आप को अलग रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो फूट है उसे आलाकमान से को बताने के लिए जीए मीर दिल्ली गए हुए हैं। और यही जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन कौन से नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक माने जाते हैं, क्या उनके खिलाफ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या कार्रवाई कर सकता है,
और दरअसल कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो गुलाम नबी आजाद के समर्थक माने जाते हैं। जी ए मीर के जो जो धड़ा है उनसे अभी 36 का आंकड़ा उनका चल रहा है और ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करके कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है कि क्या कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में गुटबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जब से गुलाम नबी आजाद और G23 के जो नेता है उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलना शुरू किया। कई मर्तबा गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, हालांकि वो कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों से अपने आप को अलग कर लिया। हाल ही में कांग्रेस ने जो 5 स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं उनके जो स्टार जो प्रचारक हैं कांग्रेस के उसकी भी उन्होंने सूची जारी की, उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था। और उनके जो समर्थक हैं गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर में वो खुलकर जो वो है वो बगावत कर रहे हैं कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों से, उन्होंने दूरी बनाई हुई है। कई उदाहरण उसके देखे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कांग्रेस में हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो जानकारी बड़ी यही मिल रही है कि जीए मीर दिल्ली में है, शीर्ष नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो बागी नेता हैं जो कांग्रेस के जो गुलाम नबी आजाद के जो समर्थक माने जाते हैं उनके खिलाफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश देने की कोशिश कर सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है, कई धड़ों में बन चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का जो आला कमान है वो क्या रुख अख्तियार करता है, क्या कार्रवाई करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जम्मू संवाद में इतना ही, धन्यवाद।